Assalamualaikum, this is Shahzeb and you are watching Zebi Tech. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंपैरिजन Oppo F21 Pro वर्सेस Vivo V23e. अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के हमें देखने को मिल जाते हैं. तो अगर आप इन दोनों में से स्मार्टफोन में से कोई एक बाय करने का सोच रहे हैं या फिर आपका बजट है 50,000 के राउंड अबाउट, तो इनमें से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो आज की इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे. कंप्लीट कंपैरिजन करूंगा और आपको पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और आप उसको बाय कर सकते हैं. बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं. तो करते हैं आज का कंपैरिजन स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली जाए यहाँ पे दोनों के डिज़ाइन की. तो यहाँ पे जो Oppo F21 Pro है इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है. बैक की बात करें तो बैक साइड पे हमें लेदर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी. इसके अलावा नीचे राइट साइड पे Oppo की ब्रांडिंग मिलेगी. कैमरा मॉड्यूल की बात कर लिया तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसके अंदर हमें दो बड़े सेंसर्स मिल जाएंगे, उसके साथ हमें थोड़ा एक छोटा सेंसर और उसके नीचे हमें जो LED फ्लैश लाइट है वो मिलेगी. बाकी फ्रंट की बात कर लिया तो फ्रंट साइड पे लेफ्ट साइड पे पंच होल मिल जाएगा और उसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा छोटा देखने को मिलता है. तो ओवरऑल यहाँ पे जो Oppo F21 Pro का डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है. बात कर लीजिए Vivo V23e के डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन थोड़ा और देखने को मिल जाएगा. बैक साइड पे हमें ग्रेडिएंट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी. इसके अलावा नीचे लेफ्ट साइड पे Vivo की ब्रांडिंग है और इसका कैमरा मॉड्यूल हमें नॉर्मल जो स्मार्टफोन में देखने को मिलता है वैसा ही देखने को मिलेगा, जिसमें राउंड रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, वर्टिकल ट्रिपल कैमरा सेटअप, साथ LED फ्लैश लाइट. फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पर यहाँ पे पंच होल नहीं देखने को मिलता, यहाँ पर वही ड्यू ड्रॉप नॉच हमें देखने को मिलेगी. 2022 के अंदर भी ड्यू ड्रॉप नॉच है 50,000 के प्राइस टैग के साथ, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है. तो इसका डिज़ाइन हम कह सकते हैं कि इतना कोई खास देखने को नहीं मिलता. डिज़ाइन वाली साइड से Oppo F21 Pro काफ़ी बेटर देखने को मिलता है. नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनके डिस्प्लेस की, तो यहाँ पे जो Oppo F21 Pro है इसके अंदर हमें 6.43 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ. इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो 90Hz रिफ्रेश रेट है वो भी मिल जाएगा. बाकी जो इसके अंदर Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है वो भी मिलती है. तो ओवरऑल यहाँ पे इसका डिस्प्ले अच्छा है, रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा स्मूथनेस आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगी. अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो लैग वगैरह है उस टाइप का कोई भी सीन इसके अंदर नहीं देखने को मिलता. और इसके अलावा यहाँ पे जो बेजल्स और चिन है वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी देखने में हमें अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि इसका जो बॉक्सी डिज़ाइन है फुल बॉक्सी डिज़ाइन वो देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है. बाकी बात कर लिया यहाँ पे Vivo V23e की, तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिलेगा 6.44 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का जो ज़्यादा रिफ्रेश रेट है वो नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिंपल 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. बाकी इसके अलावा Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन इसके अंदर भी है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 1080p 2400 वो इसके अंदर भी देखने को मिलती है. डिस्प्ले वाली साइड से ऑब्वियसली Oppo F21 Pro ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसके अंदर हमें 90Hz का एक ज़्यादा एक अच्छा फीचर देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर है. नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे थोड़ी गेम चेंज देखने को मिलती है. Oppo F21 Pro के अंदर हमें एक नॉर्मल प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक एफिशिएंट प्रोसेसर है और वो है स्नैपड्रैगन का 680. अब ये जो प्रोसेसर है 6nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड रेनो 610 के GPU के साथ आता है. तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है इतनी कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगी, गेमिंग के लिए ये जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, डेली टास्क करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ये प्रोसेसर बिल्कुल आपको ईजिली प्रोवाइड कर देगा. आप अगर आप ये सब यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा यह प्रोसेसर. जबकि बात कर ले यहाँ पे Vivo V23e की, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो MediaTek का एक गेमिंग प्रोसेसर है जो कि G96 है. अब ये जो प्रोसेसर है काफ़ी ओल्ड हो चुका है, 12nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है. इसके साथ हमें Mali G57 का GPU मिलता है, तो परफॉर्मेंस के अंदर अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी. पबजी भी आप 40-60 FPS के राउंड बॉडी इसके अंदर प्ले कर सकते हैं. बाकी हाई टास्क, हाई परफॉर्मेंस आप ऐप्स इसके अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हैं. तो परफॉर्मेंस वाली साइड से हमें जो ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है वो Vivo V23 की जो परफॉर्मेंस प्रोसेसर है वो मिलेगा. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपको एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं Oppo F21 Pro की, तो अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो आपको ऑब्वियसली MediaTek G96 सूट करेगा. इसके अलावा दोनों के वेरियंट्स की बात कर लिया तो दोनों के अंदर हमें 8x128 के वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं. जबकि बात कर लीजिए Vivo V23e की, तो इसके अंदर हमें 8x256GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिलता है. तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ले रहे हैं तो 8x128 वाला वेरिएंट ही लें, क्योंकि 128GB एनएफ होती है एक नॉर्मल यूज़र के लिए भी, अगर आप हैवी यूज़र हैं तब भी एनएफ होती है. तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 8x128 से रिकमेंड करूँगा. इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी बैटरीज़ की, तो यहाँ पे जो Oppo F21 Pro है इसके अंदर हमें 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी इसके अंदर है, 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी. अब की बात कर लीजिए Vivo V23e की, तो इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग मिलती है 44W की, तो ये ज़्यादा एक अच्छा फीचर है, यानी कि ज़्यादा फास्ट चार्जिंग मिलती है, टाइप सी इसके अंदर भी है, लेकिन बैटरी यहाँ पे कम देखने को मिलती है 4050mAh की,
तो ऑब्वियसली इसके अंदर फास्ट चार्जिंग ज़्यादा है, और जो ओप्पो F21 प्रो है उसके अंदर हमें जो बैटरी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हम कह सकते हैं कि बैटरी वाली साइड से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर ली है तो कैमराज भी तकरीबन सेम कह सकते हैं। ओप्पो F21 प्रो की बात कर ली है तो इसकी बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर हमें 64 का मेन सेंसर, 2 का एक माइक्रोस्कोपिक लेंस और 2 का एक डेप्थ सेंसर। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेंस 2 मेगापिक्सल का रखा गया है, तो आप बिल्कुल क्लोजअप शॉट्स आप किसी भी जो सब्जेक्ट की ले सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो आप काफ़ी क्लोज जाके एक माइक्रोस्कोप की लेवल की तरह के यहाँ पे जो शॉट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी मेन सेंसर है 1.7 के अपर्चर के साथ, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लो लाइट के अंदर आपको अच्छी तस्वीरें प्रोवाइड कर देगा। और फ्रंट की बात करें ओप्पो F21 प्रो की, तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, तो आप सेल्फीज भी इसके अंदर ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। बाकी बात करें वीवो V23e की, तो इसके अंदर भी सेम हमें कैमराज तकरीबन कह सकते हैं मिलते हैं। 64 का मेन सेंसर है इसके अंदर, लेकिन एक्स्ट्रा लेंस है 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, बाकी 2 का डेप्थ सेंसर वही हमें मिल जाता है। तो बैक कैमरा इसका सही है 1.8 के अपर्चर के साथ, तो थोड़ी सी लो लाइट के अंदर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा ओप्पो F21 प्रो से, लेकिन ओवरऑल इसके बैक कैमराज भी ठीक है। बाकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट इसका जो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है वो मिलेगा, तो थोड़ी ज़्यादा इसके अंदर डिटेल देखने को मिल जाएगी फ्रंट कैमरे के अंदर। बाकी दोनों के अंदर हमें जो 1080p 60fps की जो वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए आप इन स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो दोनों के अंदर हमें एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा, वीवो के अंदर हमें वन टच ओएस मिल जाता है, जबकि कलर ओएस की बात करें ओप्पो के अंदर मिलता है। तो दोनों के अपने अपने यहाँ पे ओएस हैं और एंड्रॉइड 11 बेस ओएस दोनों का सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनके वेट और थिकनेस की, तो यहाँ पे जो ओप्पो F21 प्रो है ये 7.5 mm थिकनेस इसकी देखने को मिलेगी, तो काफ़ी हद तक हमें एक स्लिम स्मार्टफोन देखने को मिलता है, बॉक्सी लुक के साथ आता है, तो ओवरऑल एक अच्छी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 175 ग्राम का इसका वेट है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे वीवो V23e की, तो इसका 7.4 mm की थिकनेस है, 172 ग्राम के करीब इसका वेट है। तो दोनों की थिकनेस और वेट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं बराबर ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिलेगा ओप्पो F21 प्रो, क्योंकि उसकी बॉक्स की लुक है और एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। तो डिज़ाइन वाइज यहाँ पे 10x10 है ओप्पो F21 प्रो के। तो ये तो हो गया कंप्लीट कंपैरिजन वीवो V23e वर्सेस ओप्पो F21 प्रो। बात के लिए यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल ओपिनियन की, तो यहाँ पे आप पूरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। बाकी मैं अपनी ओपिनियन की बात कर लूँ, तो अगर आप एक अच्छे लुक वाले स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, अच्छे एक प्रीमियम स्मार्टफोन देखने में काफ़ी अच्छा लगे, हैंडी फील प्रोवाइड करे, और उसके अंदर हमें जो कैमराज हैं वो भी अच्छे देखने को मिले, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिले, तो आप ओप्पो F21 प्रो की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस यूज़र हैं, अगर आपको हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन चाहिए तो, और वीवो का ही स्मार्टफोन चाहिए, तो आप वीवो V23e को बाय कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है, ये सब करना है, अच्छे परफॉर्मेंस वाली ऐप्स यूज़ करनी है, तो आप Redmi Note 11 Pro भी बाय कर सकते हैं, वो भी इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपका कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा है और आप कौन सा बाय करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं मुझे पहली दफा देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई तरह की नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।